मेरे प्यारे बच्चों, सरस्वती वंदना के बाद मैं आप लोगों के कहना चाहता हूं कि जो है कल से बिहार बोर्ड का जो है एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक। और कल से जो एग्जाम आप लोगों का जो चालू होने वाला है 1 तारीख से, ठीक। तो उत्कर्ष बायोलॉजी क्लासेस की ओर से सभी छात्र एवं छात्राओं को बेस्ट ऑफ लक। और मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक चीज जो पहले एग्जाम में था वही चीज इसमें दर्शाया गया है कि देखिए, कहता है विद्यार्थियों को 50% सवाल का ही अब देना होगा जवाब, ठीक। तो विद्यार्थी जो पहले था, ठीक, उसी चीज को क्या किया गया है, नियम को रखा गया है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैथ का एग्जाम है कल फर्स्ट दिन, तो फर्स्ट डे जो होता है एग्जाम का वो सबके दिल के धड़कनों को रोक देती है, तो रोकना नहीं है। दिल का धड़कन रुक जाएगा तो एग्जाम रुक जाएगा, समझ रहे। तो दिल की धड़कन को रोकना नहीं है, उसमें क्या करना है, अपने अंदर एनर्जी पावर को बनाए रखना है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है बच्चों का जो है कि जो फर्स्ट डे एग्जाम होता है उसके माइंड में ये रहता है कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, तरह तरह के माइंड में क्वेश्चन चलते रहते हैं और क्या करना चाहिए फर्स्ट डे एग्जाम है। तो मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूं कि घबराना नहीं है और जो है हर एक क्वेश्चन का बारीकी से एग्जाम देना है, ठीक। तो आपको जो है ना 50% मतलब क्या कि 50% क्या है कि जो जैसे मान लिया कि आपको मैथ का है, मैथ में जो है 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो उसमें जो है 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो उसमें 50 को ही बनाना। अब 50 वैसे ऑब्जेक्टिव को टच करना जो आपसे बन रहा है, ऐसा नहीं कि जो नहीं बन रहा उसी में दिमाग लगेगा, ऐसा नहीं। जो बन रहा है पहले उसको टिकअप कर लीजिए और ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। ओवर कॉन्फिडेंस करने वाले अक्सर फेल कर जाते हैं, मतलब क्या कि रिजल्ट नहीं बना पाते हैं उसमें। तो एक्चुअली है कि जो आपसे बन रहे हैं क्वेश्चन, और दूसरा नंबर ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखे आंसर फटाक से मार देंगे, तो चारों ऑप्शन को भी पढ़ा कीजिए ताकि आप लोगों को जो दिक्कत ना हो कि कितना बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ा रहता है गैस पेपर का रटा हो रहता है, वो क्या करते हैं तुरंत देखते हैं तुरंत आंसर मार देते हैं, तो वैसा भी करना नहीं है। उससे क्या होता है ऑब्जेक्टिव गलत हो जाते हैं और बच्चे के मन में तो यही बैठा रहता है नहीं हम सही मार के आए, तो उस चीज को जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर वो चीज, दूसरा नंबर कि आप रोल नंबर, रोल कोड, नाम, ये सारा चीज जो उमार सीट में 1 घंटे का जो टाइम मिलता है आप लोगों का, 1 घंटे में ऑब्जेक्टिव को बनाना है, उमार सीट को भरना है, सिग्नेचर करना है, ये सारे चीज पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर, चोरी नहीं करना है, मतलब समझ रहे हैं ना, चोरी नहीं करना है। और चोरी जब आप नहीं करना है तो एक बात ध्यान में रखना कि डर भी किसी बात का नहीं रहेगा, आगे पीछे ध्यान में रखना कि कोई तरह का चीट ना फेंके, ना तो वो प्रॉब्लम कर देता है, ठीक। तो 50% का इस सवाल का ही जवाब देना होगा, ये बात तो सबको समझ में आ गया है, ये जो है जारी कर चुका है। तो अब क्या है कि कहता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बुधवार 1 फरवरी से इंटर की वार्षिक परीक्षा शुरू हो रही है और परीक्षा में पहली बार विद्यार्थी से प्रत्येक विषय में 2 गुने प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सोच सकते हैं कि 2 गुना प्रश्न रहेगा और उसमें से 50% का जवाब देना आसान है, ठीक। तो घबराना नहीं है, अपने टाइम को मैनेज करते हुए बनाना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब कहता है कि विद्यार्थियों को पूछे गए कुल प्रश्नों में से 50% सवाल का ही जवाब देना होगा। इसके साथ ही समिति की ओर से पहली बार इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की पहचान के लिए यूनिक आईडी जारी किया गया है। पहले दिन प्रथम पाली में 1 फरवरी को मैथ की साइंस परीक्षा सुबह 9:30 से और 12:45 तक होगी चलेगी, और द्वितीय पाली में हिंदी की परीक्षा 8 संकाय की, उसमें क्या बोलते हैं 1:30 से एग्जाम शुरू होगा और 5 बजे तक चलेगी, ठीक।
तो ये बात पे ध्यान रखना है, सेकंड सिटिंग में हिंदी है, फर्स्ट सिटिंग में मैथ है। तो आप लोगों को जो है ये परीक्षा जो है अच्छे तरीके से देना है। फर्स्ट डे का जो मैथ है, तो जिनका मेन मैथ है वो तो ज्यादा फोकस रखेंगे ही, साथ साथ जिसका सब्सिडरी मैथ है, ये क्या बोलते हैं साइड से मैथ है, वो भी बच्चे थोड़ा अच्छे से रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करना है कि लिखना ही। दूसरा नंबर पेन की बात होती है, तो कत्ता बच्चे क्या करते हैं कि पेन में जो है ना आलतू फालतू पेन जैसे नया नया खरीद के लेके जाते, तो नया पेन जो है ना नहीं, वो एक दो दिन का चला होना चाहिए, थोड़ा रनिंग में होना चाहिए ताकि जो है अच्छे से यूज हो सके। अब क्या होता है कि बॉल पेन कौन यूज करें, ठीक, तो यूज जो है आप लोगों को करना है, ओमार सीट में दिया है अब की बार, वो जो है गाढ़ा वाला मोटा वाला पेन जो आता है उसको यूज नहीं करना है, उससे क्या होता है कि बाहर तक भी छपा जाता है, तो इसलिए उस बात पे ध्यान देना है। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, परीक्षा की शुभकामनाएं, अच्छे से एग्जाम देंगे। मैं माँ सरस्वती से यही दुआ मांगेंगे कि आप लोगों का अच्छे रिजल्ट हो, जो मेहनत किए हैं उनके लिए मैं खास तौर पे अधिक दुआ मांगेंगे कि उन बच्चों की रिजल्ट अच्छे हो, ठीक। तो आप लोगों के लिए देख रहे हैं कि माँ सरस्वती से हम दुआ मांग रहे हैं, इस बात पे ध्यान भी रखिएगा कि आप लोग अच्छे तरीके से जो भी, और दूसरा नंबर रात में जगने का प्रयास ना करें, सुबह एग्जाम है और सुबह नहा धो के जो जिसको पूजनीय योग होते हैं पूजा पाठ करके अपना, और दूसरा नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने पे विश्वास मत रखिएगा, खुद के ऊपर विश्वास रखिएगा, रिजल्ट बेटर बनेगा, ठीक। ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसको जाके लिखेंगे, वो सब पे ध्यान देना नहीं है ज्यादा, ठीक। चलिए दिखाते, चलिए देखिए ओमार सीट, ये ओमार सीट में क्या हो जाता है कि ओमार सीट को कैसे भरना, इस बात पे भी ध्यान में रखना है। ओमार सीट जो भी मिलेगा उस पे पहला नंबर अपना नाम लिख लेना, नाम वगैरह आएगा, उसके बाद नाम का रोल नंबर आता है, रोल नंबर भरना है, रोल नंबर भरने के बाद जो देखे टेस्ट आईडी दिया है ना, आईडी भी भरना है, उसके बाद ये सारे चीज को भरना है और अच्छे से सिग्नेचर करना है, ठीक। ये 10th और 12th दोनों के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए, और बेस्ट ऑफ लक, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो तुम्हें तुम्हारे परिश्रम का उचित फल दे और आप ईश्वर की कृपा से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद, और आप लोग अच्छे से लिख के रिजल्ट आने के इंतजार करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।